आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एम सी क्यूज ट्वेल्थ क्लास पोलिटिकल साइंस का चैप्टर द एंड ऑफ बाईपुलरिटी के तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द सोवियत यूनियन इन्वेटेड अफगानिस्तान इन द ईयर यानी कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर किस साल आक्रमण किया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइनटीन सेवेंटी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है द रशियन रेवोल्यूशन इन नाइनटीन सेवनटीन वॉज लेड बाई कि किसने लीड किया था रशियन रेवोल्यूशन तो इसका आंसर हो जाएगा वालमेर लेनिन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट गिवन प्राइमेसी बाय द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम यानी कि इनमें से कौन सी पॉलिसी है जो क्या सोवियत सिस्टम के अंदर नहीं आती तो इसका आंसर हो जाएगा डी नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकॉनमी इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था इकॉनमी के ऊपर इकॉनमी के ऊपर तो गवर्नमेंट का कंट्रोल था क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या है गवर्नमेंट ही देखती थी नेक्स्ट क्वेश्चन है रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यू यानी कि यू के अंदर यू ने सीट कौन से ईयर में ली थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गोरवाचेब बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका गोरवाचेब कब जनरल सेक्रेटरी बना था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1985 नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्लिन वॉल फॉलिंग यानी कि बर्लिन वॉल कब गिराई गई थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवम्बर नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सर्व कॉन्फ्लिक्ट प्लेस इन द बालकन रिपब्लिक ऑफ यानी कि जिस झगड़े के अंदर सबसे ज़्यादा संघर्ष हुआ था वो कौन सी बाल्कन रिपब्लिक के अंदर था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूगोस्लाविया नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय यानी कि बोल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो किसके द्वारा खोजी गई थी यानी कि उसका कौन हेड था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वालदमिर लेनिन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत रशिया यानी कि ऐसा कौन सा पहला रिपब्लिक है जो सोवियत रशिया से क्या है अलग हो गया था एक अपना इंडिपेंडेंट बन गया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथुनिया नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यानी कि इसके अंदर कौन सा जो है आउटकम नहीं है जब यूएसएसआर क्या है अलग अलग हो गया था तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग ऑफ द द फॉलोइंग दैट डिस्क्राइब नेचर ऑफ सोवियत इज इसरो यानी कि इनमें से हमें एक ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो सोवियत इकोनॉमी को क्या है गलत प्रूफ करती है रोंग बताती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री दैट गेव द एड एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर स्टील प्लांट्स इन इंडिया इज यानी कि स्टील प्लांट्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंट और एड दिया था वो कौन सी कंट्री है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यूएसएसआर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द सोवियत यूनियन कोलाब्स यानी कि सोवियत यूनियन कब बिखर गया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इन सेंट्रल एशिया विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर टेन ईयर्स यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है सेंट्रल एशिया के अंदर जिसके अंदर दस साल तक सिविल वॉर चला था यानी कि सिविल वॉर वो होता है जिसके अंदर देश के लोग आपस में ही क्या है लड़ने लग जाते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ताजिकस्तान नेक्स्ट है हाउ मेनी यूनियन रिपब्लिक्स वर देयर इन यू एस एस आर यू एस एस आर के अंदर कितनी रिपब्लिक्स थी कितनी कंट्रीज थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन नाइनटीन 1985 फाइव नाइनटीन फाइव के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का वो कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिखेल गोरवाचेव आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए